नमस्कार, आप दिख रहे हैं न्यूज़। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। जनपद सिद्धार्थनगर में सोजी टीम और पत्रा पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता। जाली नोट के साथ चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक अभियुक्त शुभ पांडे को पुलिस और एसओजी की टीम ने पत्रा थाना क्षेत्र के रमुआपुर से गिरफ्तार किया। उसी अभियुक्त की निशानदेही पर अन्य तीन अभियुक्तों को जिला चिकित्सालय बस्ती के समीप गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 1,51,400 रुपए के जाली नोट, छापने से संबंधित उपकरण और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इन अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि हम लोग जाली नोट की छपाई करते हैं और इन नोटों को मार्केट में चलाकर अपना शौक पूरा करते हैं। ये लोग अक्सर शाम के समय इन नोटों को भीड़ भाड़ वाली दुकान पर चलाते थे। इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी। ये थाना पथरा बाजार एसओजी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 1,51,400 रुपए नकली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही दो कलर प्रिंटर, टेप, चाकू और दो बाइक भी इनके पास से बरामद की गई है। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि अपने कलर प्रिंटर से जो नकली नोट थे उनका प्रिंट निकालते थे और खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं और शाम के वक्त इन नकली नोटों का प्रयोग करते थे, जब दुकानदार बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे कि नकली नोटों के संबंध में। इस प्रकार से लगभग ये 5-6 महीने से ये लोग एक्टिव थे। इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए हमारी टीम ने इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी प्रशंसा की जाती है। इसमें चार लोग गिरफ्तार हुए, शुभम पांडे, विकास पांडे, ये दोनों मेन अभियुक्त है। इनके साथ भालचंद और सोनू है, ये दोनों जो नोट बनते थे इनको बाजारों में चलाते थे। ये चार लोग का गिरोह था जो पकड़ा गया। इनमें अभी तक पूछताछ में अन्य कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया, इसमें विवेचना प्रचलित है। अन्य कोई भी तथ्य आएंगे तो उसमें अवगत कराया जाएगा।